जो चर्चा का विषय है वो ये कि अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके से जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी में शामिल करा लिया गया। हालांकि हमने इस बाबत जेडीयू के कई नेताओं से सवाल पूछे, लेकिन कोई भी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो अंदर से जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि कई जेडीयू के नेताओं ने नीतीश कुमार के सामने ये बात उठाई है कि जिस तरीके से जेडीयू के जो 6 विधायक हैं उनको बीजेपी ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है जेडीयू प्रदेश कार्यालय में। नीतीश कुमार तमाम अपने राष्ट्रीय नेताओं के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं, जहां तमाम राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ ही साथ जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको यहां पर बुलाया गया है। और 2 दिवसीय ये बैठक चल रही है, जहां नीतीश कुमार तमाम जो पार्टी के संगठनात्मक फैसले हैं, जो बीते चुनाव में जो नतीजे आए उसको लेकर चर्चा होनी है। हालांकि इस दौरान जो एक सबसे अहम मुद्दा है, जो चर्चा का विषय है, वो ये कि अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके से जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी में शामिल करा लिया गया। हालांकि हमने इस बाबत जेडीयू के कई नेताओं से सवाल पूछे, लेकिन कोई भी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो अंदर से जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि कई जेडीयू के नेताओं ने नीतीश कुमार के सामने ये बात उठाई है कि जिस तरीके से जेडीयू के जो 6 विधायक हैं उनको बीजेपी ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है, वो एक गलत परिपाटी की शुरुआत है, स्वस्थ राजनीति के संकेत नहीं है। ये सवाल नीतीश कुमार के सामने आज उठाए गए हैं। और जाहिर तौर पर 27 दिसंबर को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उसमें भी ये मुद्दा उठाया जाएगा।